नमस्कार, जय हिंद। हो गई आगाज अब रन का, हो गई आगाज अब रन का, युग बदलने की तैयारी है, संघर्ष दिन और रात जिसका जारी है। वंदे मातरम, जय हिंद। दोस्तों, मैं आप सभी को इस महादेव डिफेंस अड्डा चैनल पर स्वागत करता हूं। मैं आज सभी को आज यह बताने के लिए आया हूं इस वीडियो के माध्यम से कि आर्मी की जो सी एग्ज़ाम है, जो भारतीय सेना का सी एग्ज़ाम होना है, काफ़ी दिनों से नहीं हो रही है। इसको लेकर काफ़ी वायरल हो रही है, जो भी चीज़ वायरल हो रही है, HQ भर्ती की जो भी वायरल हो रही है, और भारतीय सेना के तरफ से कोई भी अभी ऑफिशियल नोटिस वैसा नहीं आया है जैसे मैं पहले वीडियो में बताया था आपको। तो आज वीडियो के माध्यम से आपको बताना चाहता हूँ कि इस सभी मुद्दे के ऊपर मैं आज बात करूंगा। मैं आज आपको बताना चाहता हूं कि भारतीय सेना का सी एग्ज़ाम, आपको वायरल वीडियो बहुत सारे हो रहे हैं यूट्यूब के अंदर। मैं तो पहले भी बता चुका था आपको कि वीडियो वायरल जो वीडियो हो रहे हैं, काफ़ी यूट्यूबर ऐसे हैं जो धंधा बना बैठे हैं, जिनको धंधा मान के चल रहे हैं, बच्चों को मूर्ख बनाने की बात आ रही है, और काफ़ी कुछ दलाल भी यूट्यूब के अंदर आ चुके हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं महादेव डिफेंस अड्डा चैनल के माध्यम से कि भारतीय सेना का सी एग्ज़ाम का नई दिल्ली जो सेना मुख्यालय है वहां से अभी तक कोई डेट नहीं आई है, न कोई अपडेट है। मैं सूत्रों के मुताबिक मैं बताना चाहता हूं कि एक सैन्य आला अधिकारियों से मैंने बात किया तो वहां से मुझे जानकारियाँ मिली है कि मार्च के अंदर सी एग्ज़ाम आपकी होने की संभावना नहीं है। आप अपना संघर्ष जारी रखें, आप यदि संघर्ष कीजिएगा तभी आप भारतीय सेना के अंदर दाखिला हो पाइएगा, नहीं तो आप यदि संघर्ष नहीं कीजिएगा, आप एग्ज़ाम की डेट पर डेट की तैयारियां सिर्फ देखते रहिएगा और तैयारियां नहीं कीजिएगा सिर्फ वीडियो के अंदर देखने से आपको कुछ नहीं होने वाला है। काफ़ी ऐसे चैनल है जो आपको मूर्ख बना रहे हैं, आप ऐसे अफवाहें में न जिए और न आए। आपको झांसा में लेकर के आपको जिंदगी का सवाल है, आप किसी की झांसे में ना आए। यूट्यूब के अंदर भी काफ़ी दलाल आ चुके हैं। आपकी ये भारतीय सेना का जो सी एग्ज़ाम है वो आपकी मार्च महीने की अंतिम सप्ताह में जो होनी थी वो होनी क्या थी, वो दलालों ने अफवाहें फैला दिया था। भारतीय सेना का कोई भी ऑफिशियल सेना मुख्यालय के द्वारा नोटिस नहीं जारी किया गया था। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ अपनी वीडियो के माध्यम से कि भारतीय सेना का जो सी एग्ज़ाम है वो मार्च की महीने में नहीं होने वाली है। आप सभी सिर्फ संघर्ष जारी रखें, संघर्ष यदि जारी रखिएगा तभी आपका सी एग्ज़ाम ग्राउंड के अंदर फतेह कर पाइएगा, नहीं तो आप लटक जाइएगा। आपको मैं बार बार हर एक वीडियो में बताता हूँ, इसलिए आप तैयारियाँ करें, दलालों से सावधान रहें, अपने और अपने विश्वास पर, अपने मेहनत के बदौलत आप भारतीय सेना में दाखिला कर सकते हैं। आप अपने मेहनत पर भरोसा रखें, आप यदि आपकी मेहनत अच्छी होगी तो आप भारतीय सेना में दाखिला करने से कोई नहीं रोक सकता है आपको। इसलिए आपको मैं बताना चाहता हूं किसी की झांसे में ना आए, दलालों से सावधान रहें, अब घर में रहें, सुरक्षित रहें और अपनी सिर्फ पढ़ाइयाँ करते रहें। मैं बार बार बताता हूँ, आप सिर्फ पढ़ाइयाँ जारी रखें, आपकी सी एग्ज़ाम कराई जाएगी। आपकी सी एग्ज़ाम कभी भी न तो कैंसिल होगा न पोस्टपोन्ड होगी। आपकी सी एग्ज़ाम मार्च की अंतिम महीने में होने की संभावना नहीं है। मैं आपको बराबर बताते आ रहा हूं कि मार्च के महीने में नहीं होगी सी एग्ज़ाम। मैं सूत्रों के मुताबिक क्लियर कर लिया हूं कि मार्च के महीने में आपका जो 27 तारीख को एग्ज़ाम के बारे में अफवाहें काफ़ी वायरल हो रही थी वीडियो, मैं बताना चाहता हूँ कि सी एग्ज़ाम मार्च की अंतिम सप्ताह में जो होनी थी वो अब नहीं होगी। पहले भी मैं बताया था कि मार्च वो अफवाह चल रही है, क्योंकि भारतीय सेना के तरफ से कोई भी ऑफिशियल जानकारियां नहीं दी गई थी। आपको अप्रैल अंतिम तक आपका सी एग्ज़ाम करा दिया जाएगा। आप सभी घबराए नहीं, आप तैयारियां जारी रखें। आपको एक डेढ़ मंथ की जो समय मिल रही है वो काफ़ी मूल्यवान है। आप तैयारियाँ जारी रखें, सी एग्ज़ाम आपकी अप्रैल के महीने में कराई जाएगी। मैं सूत्रों के मुताबिक जो जानकारियाँ प्राप्त किया हूँ जो सैन्य आला अधिकारियाँ हैं वहाँ से जानकारियाँ मुझे प्राप्त की हुई है कि मार्च के महीने में आपका सी एग्ज़ाम नहीं कराई जाएगी। आप किसी की झांसे में ना आए, मैं आपको महादेव डिफेंस अड्डा चैनल के माध्यम से बार बार बताता हूँ। और सत्य और सही जानकारियाँ, इंडिया का नंबर वन ऐसा चैनल है जो महादेव डिफेंस अड्डा है, जो सत्य और सही जानकारियाँ देती है। तो आप किसी की झांसे में ना आए, आप अपने विश्वास पर ध्यान दें, अपनी मेहनत पर धैर्य बना के रखें, मेहनत पर तैयारियां करते रहे। आपकी मेहनत जितना शानदार होगा उतना ही जीत आपकी बहुत जल्द शानदार आएगी। तो हम आपको बराबर बताते हैं कि
कि आप सिर्फ मेहनत पर ध्यान दें, आप किसी की अफवाह में ना आए, कोई बिचौलिए की अफवाह में ना आए, सिर्फ आपको मैं बताना चाहूँगा कि महादेव डिफेंस चैनल के माध्यम से आपको सही जानकारियाँ मिलेगी। आपकी मैं बता देना चाहता हूँ, आपकी जो सी एग्ज़ाम है भारतीय सेना का, वो अप्रैल महीने में कराई जाएगी। अप्रैल अंतिम तक आपकी भर्ती प्रक्रिया पूर्ण करा दिया जाएगा, यानी सी एग्ज़ाम ले लिया जाएगा। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आप किसी के अफवाह में ना आए। अब रही बात भारतीय सेना का जो नए शेड्यूल आनी है भर्ती प्रक्रिया की, भर्ती प्रक्रिया भी आपकी अप्रैल तक जब सी एग्ज़ाम हो जाएगी तो मई की अंतिम महीने तक आपकी भर्ती प्रक्रिया भी होने की चांस है। हर एक आर ओ बी आर ओ जेड आर ओ के अंदर आपको मई के अंतिम सप्ताह तक आपको जो है भर्ती प्रक्रिया देखने को मौका मिलेगी। मैं आपको बताना चाहता हूं कि आप किसी की झांसे में ना आए, सही और सुरक्षित रहें, कोई दिक्कत नहीं है। आप अपनी तैयारियां पर रहें और कोई भी अगर किसी भी सुझाव शिकायत अगर हो तो मैं मुझे कमेंट सेक्शन के माध्यम से आप दे सकते हैं, या मुझे इंस्टाग्राम हैंडल के माध्यम से या फेसबुक के हैंडल के माध्यम से। आप अबाउट सेक्शन में MDA का व्हाट्सएप ग्रुप लिंक दिया हुआ है, आप उससे जुड़ करके और मुझसे कोई भी सही जानकारियाँ साझा कर सकते हैं और मुझसे जानकारियाँ ले सकते हैं। इसलिए आप किसी भी दलालों से सावधान रहें, मैं आपको बराबर बताता हूँ। चैनल पर यदि आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि महादेव डिफेंस अड्डा आपके साथ है और सदा साथ रहेगा। इसलिए मैं आपको बताना चाहता था, इसीलिए मैं मुझे खबर आज सुबह ही मिल गई थी, इसलिए मैं आपको सत्यता और सही पुष्टि करके मैं बताया हूँ। मार्च के महीने में आपको देख लीजिएगा, आपकी एग्ज़ाम नहीं होगी। आप महादेव डिफेंस अड्डा चैनल के माध्यम से आपको सबसे पहले जानकारियां दिया गया है, आप देख सकते हैं। आप मार्च के अंदर आपका सी एग्ज़ाम नहीं होगी, आपकी अप्रैल की अंतिम सप्ताह तक जो है सो ऑफिशियल नोटिफिकेशन या जो सी एग्ज़ाम है वो करा दिया जाएगा अप्रैल महीने में। चलिए, जय हिंद।